आज जहाँ दुनिया भर में पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे रहने के लिए घर छोटे होते जा रहे हैं और अपनी रेगुलर लाइफ में बिजी लोग कम सोशल हो पा रहे हैं। मगर कुछ ऐसी डॉग ब्रीड्स हैं जो छोटे घर में बहुत आसानी से आपके साथ रह सकती हैं और आपको सोशली एक्टिव और मेंटली हैप्पी भी रख सकती हैं। ये दिन भर आपके लिए घर में चहलकदमी करते रहेंगे, जिससे आपको एक अलग ही खुशी का एहसास होगा। तो चलिए आज बात कर लेते हैं कुछ ऐसे छोटे डॉग ब्रीड्स के बारे में जिन्हें आप आसानी से अपने घर में पाल सकते हैं। वैसे हमने इंडियन डॉग ब्रीड्स और डेंजरस डॉग ब्रीड्स के ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। नंबर 7, पूडल। पूडल एक कर्ली हेयर और मस्कुलर डॉग ब्रीड है जिसे ज्यादातर डॉग शोज में देखा जा सकता है। पूडल के घने घुंघराले बाल बहुत क्यूट लुक देते हैं। वैसे ये ब्रीड भले ही स्मॉल डॉग ब्रीड में आती है, मगर बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत बेहतरीन स्विमर ब्रीड है। इसी कारण ये अपने ऑनर के साथ समय बिताना पसंद करते हैं और ठीक तरह से ट्रेनिंग दी जाए तो ये बहुत ही इंटरटेनिंग डॉग ब्रीड भी है और आपके घर में रौनक भर देगी। नंबर 6, डच हाउंड। ये नस्ल आंशिक रूप से हाउंड और टेरियर है और इनका स्मॉल हेयर कट होता है, जिस कारण से इस ब्रीड को बहुत ज्यादा ग्रूमिंग की जरूरत नहीं होती। हालांकि डशाउंड हर रोज सैर पर ले जाए जा सकते हैं, मगर ये ब्रीड इंटेंस स्पोर्ट या रनिंग के लिए नहीं होती, क्योंकि इनके पैर छोटे और शरीर ज्यादा बड़ा और भारी होता है। वैसे ये भी एक मेजर रीजन है इस नस्ल को पसंद किए जाने का। आपका क्या विचार है इस ब्रीड के बारे में, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 5, यॉर्कशायर टेरियर। यॉर्कशायर टेरियर, जिसे प्यार से यॉर्की भी कहा जाता है, ये एक रेशमी फर वाली डॉग ब्रीड है जिसे ज्यादातर ग्रे या टैन रंग में ही देखा जा सकता है। लोग इसके फैशन अपेयरेंस और स्मॉल साइज के कारण इसे बहुत पसंद करते हैं। वैसे इस ब्रीड को ग्रूमिंग करवाना बहुत पसंद और आसानी से ही अपने ऑनर द्वारा हेयर कट भी ले लेते हैं। यॉर्की बहुत सोशल और गजब के वॉच डॉग होते हैं, मगर ये अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते। नंबर 4, पग। पग को भारत में आज भी वोडाफोन डॉग के नाम से जाना जाता है, रीजन आप सभी को पता होगा। और पग दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले स्मॉल डॉग ब्रीड में से एक है, जिसे लोग इसकी टिमटिमाती आंखें और झुर्रीदार बोहों के कारण बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ये प्यारी नस्ल दूसरे जानवरों और इंसानों के साथ बहुत ही सोशली बिहेव करती हैं, जिस कारण से इन्हें अपने घर में रखना या दोस्तों के साथ मिलवाने में कोई दिक्कत नहीं होती और ये सभी के साथ टाइम बिताना पसंद करते हैं, मगर इन्हें भी अकेले रहने की आदत नहीं होती। नंबर 3, शीत्ज़ू। इस नस्ल के डॉग छोटे बच्चों के साथ बहुत प्यार से रहते हैं और अपने चार्मिंग एटीट्यूड के कारण हमेशा ऑनर की मुस्कान का कारण बने रहते हैं। वैसे शीत्ज़ू को लगभग हर रोज बच्चों की तरह ब्रशिंग की जरूरत होती है, क्योंकि इनका लॉन्ग हेयर कोट मेंटेन करना किसी भी जाइंट ब्रीड को हैंडल करने से कम नहीं होता। इस ब्रीड के लिए शाम के समय थोड़ी सैर और स्मॉल अपार्टमेंट भी ठीक होता है। तो आपको क्या लगता है, शीत्ज़ू आपके लिए फिट है या नहीं? नंबर 2, चिहुआहुआ। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये कहावत चिहुआहुआ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। 10 पाउंड से भी कम ये स्मॉल साइज डॉग ब्रीड, मगर जितने छोटे होते हैं उतने ही गुस्सेल भी होते हैं और अपने ऑनर के सिवा किसी की बात नहीं सुनते। वैसे चिहुआहुआ पालतू पेट्स के साथ बहुत फ्रेंडली बिहेव करते हैं, मगर कुछ ऐसे डॉग्स हैं जो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होते। वैसे इन्हें कभी कभी हेयर ब्रशिंग की जरूरत होती है, मगर इनकी आंखों को देखते रहना चाहिए, क्योंकि आकार में बहुत छोटे होते हैं, जिस कारण आसानी से इनकी आंखों में कचरा जमा हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट के नंबर 1 डॉग की। नंबर 1, पोमेरियन। पोमेरियन एक स्मॉल साइज डॉग ब्रीड है जो अपने फ्लफी कोट और लोमड़ी की तरह लुक के लिए बहुत वाहवाही बटोरते हैं। अगर इन्हें ठीक तरह से ट्रेनिंग दी जाए तो ये बहुत अच्छे वॉच डॉग साबित हो सकते हैं। जरा सी भी हलचल होने पर ये ऑनर को सतर्क कर देते हैं। पोमेरियन को खिलौनों के साथ खेलना बहुत पसंद होता है। ये नस्ल बहुत बुद्धिमान और सामाजिक होती है, जिसे रेगुलर ब्रशिंग की जरूरत होती है, वरना इनके फर पूरे घर में गिरते रहेंगे। तो आपका फेवरेट स्मॉल साइज डॉग ब्रीड कौन सा है, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।